पश्चिम बंगाल में रेमल चक्रवात का असर देखने को मिला। बारिश के साथ यहां पर तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। कोलकाता के कई इलाकों में पेड़ भी गिर गए। खेपूपारा के तटों को तूफान ने पार किया। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और सभी को तटीय इलाकों में जाने को मना किया गया था और ऐसे में सभी को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की भी कवायद की गई। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान अब थोड़ा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश से बंगाल पहुंचा चक्रवाती तूफान रेमल का बीती रात करीब 3 घंटे तक लैंडफॉल चलता रहा। इस दौरान बंगाल के कई शहरों में पेड़ उखड़ गए। खास तौर से कोलकाता के कई इलाकों में पेड़ उखड़ने की घटनाएं सामने आईं। हालात पर काबू पाने के लिए पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में NDRF की 14 टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें हुगली में 1, हावड़ा में 1, दक्षिण 24 परगना में 3, उत्तर 24 परगना में 2, पूर्व मेदिनीपुर में 2, पश्चिम मेदिनीपुर में 2, कोलकाता में 1, मुर्शिदाबाद में 1 और नादिया में 1 टीम शामिल है। तूफान रेमल को लेकर पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। इधर तूफान को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। चक्रवात रेमल के तेवर को देखते हुए बंगाल के राज्यपाल ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। तो साथ ही साथ देखिए, रेमल तूफान के मद्देनजर बंगाल और बाकी जो राज्य हैं वहां पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, आइए आपको ग्राफिक्स जरिए हम बता रहे हैं। तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोग हटाए गए हैं। कोलकाता में 15,000 कर्मियों को तैनात किया गया है। ओडिशा के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। अगले 21 घंटों के लिए कोलकाता एयरपोर्ट से करीब 400 उड़ानों को रद्द किया गया। दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय जिलों में भी कई जो ट्रेन सेवाएं हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। लोगों के सुरक्षा के लिए एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। Z News।